press the bell icon on the YouTube app and never. दंगाबाज, गुंडाबाज, क्रिमिनल बाज, जो मुसलमान जो वहां पर इजी मनी कमाते थे, वो भी चाहते हैं दोबारा 370, क्योंकि उनका कारोबार ठप होकर के बैठ चुका है। मैं एक नेशनल न्यूज पर बैठी हुई थी 370 को लेकर के, और वहां का एक मुसलमान बैठा था। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप बीजेपी को वोट क्यों नहीं करेंगे। तो उसने कहा 370 दोबारा लाना है। मुसलमान, मैं आपसे खुद ही ट्रांसपेरेंटली बता दे रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि पहले आपका बच्चा स्कूल जाता था? तो कहा कि नहीं, ज्यादातर तो स्कूल बंद रहता था। तो मैंने कहा, सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार शहला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया लाइक खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। और ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था। तो इसे भी अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस हिसाब से बांग्लादेश से आरडीएक्स और बॉम्ब मंगवाना स्टार्ट किया, और जिस हिसाब से राइफल मंगवाना स्टार्ट किया, असलाह और बारूद मंगवाना स्टार्ट किया, उससे ये समझ में आ गया यूएन को भी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कि इसकी दशा और दिशा दोनों नाकाबिले बर्दाश्त है, इवन अनपार्डनेबल सिन है, और इसके ऊपर कड़ी नजर तो रखी जाए पर मुलाकात बिल्कुल ना किया जाए। जैसा पाकिस्तान एक जमाने से हिंदुओं पर करता आया है, सिखों पर करता आया है, और 23.3% माइनॉरिटीज हिंदुओं को खत्म करके पाकिस्तान ने 1% किया है, ठीक वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। और यूनुस साहब पाकिस्तान से ट्रीटी करके इसीलिए बुलवा रहे हैं आरडीएक्स, असला और बारूद, ताकि जो 1-1.5 करोड़ से ऊपर हिंदू बचे हुए हैं उनको भी खत्म कर दिया जाए। मुस्लिम कट्टरता नहीं है, ये तालिबानी एक्टिविटीज है, ये जिहादी एक्टिविटीज है, ये मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान का नाम रख करके ये अपने क्रिमिनल और अपनी आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, अपने अश्लीलता के नंगे नाच को इस्लाम का नाम दे करके उसको एक्सक्यूज दे रहे हैं और अपने आप को बचा रहे हैं। आजादी, आजादी मिल गई, आजादी दे दिया प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी दिया है, उसको मौज करो, लाल चौक पे हनुमान चालीसा पढ़ो, भारत का झंडा लहराओ, बोलो भारत माता। यहाँ पर एक और चीज भी है, हम आपके सामने रखेंगे, कश्मीर भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूंगी कि कुछ वीडियोज हमने देखी है कि कश्मीर के अंदर जो है कश्मीरी जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और वो कह रहे हैं कि हम जो है सरकार बदलना चाहते हैं। मैंने 2-3 चैनल्स पे देखा, हो सकता है कि वो अपडेट अच्छी ना हो, या हो सकता है उसके वो मिस इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन कश्मीर को लेके भारत का जो नैरेटिव है वो तो बड़ा क्लियर है, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे यू टर्न लेता हुआ नजर भी आ रहा है। जितना पहले हमारी गवर्नमेंट कश्मीर करती थी, अब उतनी नहीं दिख रही, और ना जैसे इलेक्शन हो रहे हैं कश्मीर में, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उससे एक भी स्टेटमेंट नहीं आया 2019 के बाद। चलो फर्जी तौर पर ये एक ब्रेकिंग न्यूज ही बना देते, वो भी नहीं बनी इस दफा, तो क्या कहेंगी, क्या अपडेट्स हैं? सिर्फ 2 स्टेटमेंट पर मैं जम्मू कश्मीर के जितनी भी आवाम है उनको अपना मैसेज भेजना चाहूंगी, और साथ साथ में पीओके में रहने वाले मेरे भाई बहनों को भी ये मैसेज उनको भी मिल जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान दोबारा चाहता है 370? जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस चाहती है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कल, मैं आपको सीरियल से बता दे रही हूँ। पाकिस्तान चाहता है दोबारा 370, कांग्रेस चाहती है दोबारा 370, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी चाहती है दोबारा 370, और सेपरेटिस्ट और जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के लोग वहां पर अभी भी छुपे हुए हैं, वो भी चाहते हैं दोबारा 370। इजी मनी इनकम पत्थरबाज, दंगाबाज, गुंडाबाज, क्रिमिनल बाज, जो मुसलमान जो वहां पर इजी मनी कमाते थे, वो भी चाहते हैं दोबारा 370, क्योंकि उनका कारोबार ठप होकर के बैठ चुका है। मैं एक नेशनल न्यूज पर बैठी हुई थी 370 को लेकर के, और वहां का एक मुसलमान बैठा था। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप बीजेपी को वोट क्यों नहीं करेंगे। तो उसने कहा 370 दोबारा लाना है। मुसलमान, मैं आपसे खुद ही ट्रांसपेरेंटली बता दे रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि पहले आपका बच्चा स्कूल जाता था? तो कहा कि नहीं, ज्यादातर तो स्कूल बंद रहता था। तो मैंने कहा कि अब जाता है? तो अब तो जाता है, अब तो बिल्कुल खुला रहता है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी बेटी भी जाती है, मेरा बेटा भी जाता है। मैंने कहा इसीलिए दोबारा 370 चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना नहीं है,
बच्चों को शिक्षित नहीं करना है, पहले आजाद थी आपकी बेटी या अब आजाद है? मैंने नेशनल न्यूज पर यह बात पूछा है, तो उसने कहा कि नहीं अभी तो भाई बहुत अच्छा है, अभी तो मेरी बेटी खुद साइकिल चलाती है, खुद स्कूटी चलाती है, बड़ी वाली बेटी स्कूटी चलाती है, छोटी वाली बेटी साइकिल चला करके स्कूल जाती है। मैंने कहा इसीलिए 370 दोबारा चाहिए कि आपका बेटा, आपके बेटे को डॉक्टर इंजीनियर ना बनना पड़े और आराम से कश्मीर में 370 हटा आजादी, ये पाकिस्तान 370 ला के क्या करेगा? ये भी तो बताइए। नहीं आप अब या तो आप छुपा रही हैं और या तो फिर आप बहुत बोली, मैं आपसे उगलवाना चाह रही हूँ। अच्छा, मुझसे उगलवाना चाह रही है। देखिए कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में फारूक अब्दुल्ला जो आतंकी माहौल बना करके रखा था जम्मू एंड कश्मीर में, इससे बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को होता था, और जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला की फंडिंग से जो जो सहूलत होती थी उससे पाकिस्तान की सरकार को भी बहुत सहूलत होती थी। बल्क में जो पैसा जाता था उससे पाकिस्तान की सरकार को भी तो कट मनी मिलता था, तो इसलिए तो दिक्कत हो रही थी ना। और इसीलिए जो कांग्रेस चाहता है वही पाकिस्तान भी चाहता है। जब जब हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन होता है तो हमारे यहाँ हम लोग प्रचार करते हैं मोदी जी का, लेकिन राहुल गांधी का प्रचार कौन करता है? पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान करता है। और यही वजह है कि पिछले 3 बार से, पिछले 15 साल से राहुल गांधी मुंह के बल गिर रहा है, मुंह के बल गिर रहा है। और उसकी माँ का जो लालसा है, जो लालच है अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने का, वो सपना का सपना ही रह जाएगा। अब आती है बात कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो क्यों क्यों ना वोट करें भारतीय जनता पार्टी को? उनके पास सारी वजूहात हैं मौजूद भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की। पहले क्या था जम्मू एंड कश्मीर में, 3 परिवारों से इंक्लूडिंग कांग्रेस से क्या मिला? गोली, बारूद, आग, आतंकवाद, कर्फ्यू, 370। अब मोदी जी से क्या मिला? 5 लाख का बीमा, IIT कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आवास योजना, रेलवे, हाईवे, टनल, टूरिज्म, पीस, डेवलपमेंट, एडुकेशन, फ्रीडम। चाहिए क्या था कश्मीरी को? आजादी, आजादी मिल गई, आजादी पढ़ो लिखो डेवलप करो, मिल गई आजादी, दे दिया हमने आजादी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने सारे कश्मीरियों को आजादी दे दिया, खुली हवा में सांस लो, लड़कियां पंख लगा करके उड़ो, पढ़ो लिखो, पूरी रात बाहर रहो, कोई कुछ नहीं करेगा, मिल गई आजादी, और चाहिए क्या। और कल की जो जलसे भी उन्होंने बताया तो था कि अब बिजली भी 1 साल के लिए कश्मीर के लिए फ्री कर दी गई है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और आपको पता है पहले जब कश्मीर में बर्फबारी होती थी तो सारे रास्ते बंद हो जाते थे, अब बजाफ्ते ट्रेन चलती है, बजाफ्ते ट्रेन चलती है, बर्फ को चीरते हुए ट्रेन चलती है पटरी पर, कोई अपने काम से काम को रोक नहीं सकता है, कोई अपने अपने किसी कारोबार को रोकेगा नहीं, सबका इंतजाम किया जा रहा है। आजादी 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 मिल गई, आजादी दे दिया प्रधानमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी दिया है, उसको मौज करो, लाल चौक पे हनुमान चालीसा पढ़ो, भारत का झंडा लहराओ, बोलो भारत माता की जय, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चले ये तो अभी रिजल्ट आएगा और उसके बाद जब वहां पर जाहिर है पार्लियामेंट बनेगी, जब लोगों के मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होंगे, लोग जमहूरियत को दोबारा वहां पे पनपता देखेंगे 2019 के बाद, तो यू नो एक इमेज तो कश्मीर का बहुत बदलेगा। और आपको क्या लगता है कि कश्मीर में आज कोई ऐसी परसेंटेज मौजूद है जो कि आज भी पाकिस्तान से उम्मीद करती हो कि पाकिस्तान हमारी बात करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल और पाकिस्तानी मानसिकता के लोग सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, पाकिस्तानी मानसिकता के लोग हमारे 28 राज्यों में जो अपनी साजिश, अपनी स्ट्रेटेजी, अपना षड्यंत्र खेलते रहते हैं, पर हम लोग इतने सुपर एक्टिव हुए हुए हैं ना कि हम उनकी हरकतों से उनको पहचान लेते हैं, और जैसे ही वो देश प्रेमी और देशभक्त लोगों पर या संवैधानिक लोगों पर वो टारगेट करते हैं या वो अपना आक्रमण करना स्टार्ट करते हैं, वो जिहाद का ऐलान करना स्टार्ट करते हैं, हम अपने संविधान की ताकत से उनका उनका मुंह वही मचोड़ देते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा कि नाजिया खान जी ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि कांग्रेस को भी एक्सपोज किया, और जैसे कि नाजिया खान जी ने कहा कि लाल चौक पे हनुमान चालीसा गाओ और भारत माता की जय बोलो, तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगली ऐसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।